को क्या करते हैं केवल पड़ी लांग
हेलो 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 तो जो मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है। लगभग क्रेन का ऊपरी छोर लगभग 200 फीट ऊपर है। थोड़ा सेम जो वो ये बड़ा
मिश्रा संतोष गुजरी भैलो श्री वीर तेजस्वी महाराज की बहुत ही काव्यराजमान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अतः ऐतिहासिक पलों में शामिल होने के लिए अति शीघ्र वीर तेजस्वी महाराज मंदिर चांगलिया बधाई हो। महाराज की विशाल प्रतिमा जी महाराज की भव्यतम और दिव्यतम प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 14.5 फीट है वीर तेजा मंदिर छांगलिया में स्थापित होने जा रही है, जिसके लिए जयपुर जुगलाई की विशेष क्रेन अपनी प्रोसेस शुरू कर चुकी है। वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति विराजमान के साक्षी बलों में ऐतिहासिक बलों में साक्षी बनने के लिए अति शीघ्र वीर तेजा मंदिर छांगलिया बधारे। विराजमान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अतः सभी से सादर अनुरोध रहेगा कि वो इन ऐतिहासिक पलों में शामिल होने के लिए अति शीघ्र मंदिर बधारे। जी महाराज की लीलन घोड़े पर सवार जीवन प्रतिमा वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया में स्थापित होने जा रही है। अतः इस प्रतिमा विराजमान प्रक्रिया में शामिल होकर अपना योगदान प्रदान करें। वीर तेजा मंदिर शांगलिया एक और ऐतिहासिक शोभा क्षेत्रवासियों के लिए वीर तेजाजी महाराज की विशाल प्रतिमा वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया में स्थापित होने जा रही है।
सुपरस्टार संतोष गुजरी भाईलोग जी महाराज की विशाल प्रतिमा विराजमान की प्रक्रिया शुरू हो ऐतिहासिक पल में शामिल होने के लिए ये जन्मदिन सांगलिया बधारे सभी भक्त मनुष्य विशेष आग्रह जयपुर से बुलाई गई विशेष ट्रेन के माध्यम से तेजाजी विराजमान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तेजाजी महाराज के पदार्थ देवी तम प्रतिमा जो शायद राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतिमा है, इस प्रतिमा को तेजाजी मंदिर में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतः सभी भक्तजनों से विशेष आग्रह कि ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए अति शीघ्र ही तेजा मंदिर सांगलिया बता रहे हैं कि सांगलिया श्री वीर तेजा सांगलिया तेजा मंदिर की जो पेज है वो लाइव चल रहा है, सभी से निवेदन है उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। अभी लाइव पेज लाइव चल रहा है सांगलिया श्री वीर तेजा सांगलिया तेजा मंदिर, आप सभी शेयर कीजिएगा। कुछ ही समय बाद में मूर्ति स्थापित की जाएगी अपने नियमित स्थान पर। तेजाजी महाराज की भव्यतम और दिव्यतम प्रतिमा का लाइव श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया के फेसबुक पेज यूट्यूब पेज पर चल रहा है। सभी तेज भक्तों से विशेष आग्रह कि वो इस लाइव का लाइक और शेयर जरूर करें ताकि देश दुनिया में बैठे हुए सभी भक्तगण इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन सके। उत्तरी भारत के सबसे बड़े वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में एक और इतिहास रचने जा रहा है। उत्तरी भारत की विशालतम वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा का विराजमान कार्यक्रम वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया में शुरू हो चुका है। जयपुर से बुलाई गई विशेष क्रेन जो 14.5 फीट हाइट की वीर तेजाजी महाराज की लेलड़ पर श्वार प्रतिमा को विराजमान करने जा रही है। सभी भक्तगणों से विशेष आग्रह कि वो अति शीघ्र वीर तेजा मंदिर सांगलिया बता रहे हैं। उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा, वो लाइव चल रहा है अभी और एक राजस्थान के सबसे बड़े तेजा मंदिर में जो तेजा जी की जो मूर्ति रखी जा रही है वो उसी क्षण में अपने नियमित स्थान पर रखी जाएगी। अतः आसपास के सभी लोगों से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी तेजा प्रांगण में पहुंचे और एक अच्छे पवित्र कार्य
कार्यक्रम के साक्षी बने। और जी को
सत्यवादी विप्लव के बजी महाराज की जय। जीवी के जल्दी मंदिर के शांता लिया गए तेजाजी महाराज की पूरी प्रतिमा विशाल संपत्ति में जो सहायक प्रतिभा सबसे बड़ी प्रतिमा है कविराज की मानव शीघ्र होने जा रहा है ऐतिहासिक पल में शामिल होने के लिए तेजाजी मंदिर की शांतलिया के श्री प्रखर हरे जयपुर से बुलाई गई विशेष ट्रेन के माध्यम से दिव्यतम और भव्यतम प्रतिमा का विराजमान किया जा रहा है। ऐसा तो दिव्यतम और भव्यतम नजारा देखने से चूक लग जाइएगा। श्री मेघेजी महाराज की इतनी विशालतम प्रतिमा को देखने के लिए अति शीघ्र मेघेजा मंदिर में शांतलिया बना रहे हैं। श्री मेघेजा मंदिर शांतलिया के फेसबुक और यूट्यूब पर पेज पर लाइक और शेयर जरूर करें ताकि देश दुनिया में बैठे तेजाजी महाराज के भक्तगण भी ऐतिहासिक पलों के दर्शन कर सके और साक्षी बन सके। सभी से विशेष आग्रह जितने भी तेजाबाद एंड्रॉइड मंदिर शांतलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को मनोज गोली द्वारा बहुत शानदार जानदार तरीके से लाइव चलाया जा रहा है। अतः इस पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। पर सवारी महाराज की उत्तरी भारत की सबसे विशाल मूर्ति का विराजमान कार्यक्रम मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम श्री वीर तेजा मंदिर शांतलिया में अति शीघ्र होने जा रहा है। अतः ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए जल्दी से जल्दी वीर तेजा मंदिर शांतलिया बना रहे और सभी भक्तगणों से निवेदन रहेगा कि श्री वीर तेजा मंदिर शांतलिया के फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि देश दुनिया में बैठे तेजा भक्त ऐतिहासिक पलों का साक्षी बन सके। सभी माताएं बहने भाई बहन अपना काम छोड़कर इन ऐतिहासिक पलों में शामिल होने के लिए अति शीघ्र वीर तेजा मंदिर में शामिल बताए। ऐसा नजारा शायद आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा जो आज वीर तेजा मंदिर से शांतलिया में देखने जाओगे। अतः अति शीघ्र शांतलिया में हजार कर साक्षी बने। तेजस्वी महाराज की विशाल प्रतिमा को स्थापित करने की स्वर्गीय शुरू हो चुकी है। सभी भक्तगणों से जयकारे के साथ से आपसे आगे चाहूंगा कि श्री वीर तेजस्वी महाराज से जोरदार जयकारे के साथ इस प्रक्रिया को शुरुआत का आगाज किया जाए। जय बोलो श्री वीर तेजस्वी महाराज की जय। लीलन घोड़े पर सवार श्री वीर तेजस्वी महाराज की उत्तरी भारत की सबसे विशाल
प्रतिमा को भी सांगलिया में स्थापित किया जा रहा है। इन ऐतिहासिक पलों में शामिल होने के लिए अति शीघ्र ही सांगलिया बना रहे हैं। कहीं साथियों सबों को देखने से छूटने जाए। सभी साथी तेजाजी महाराज की प्रतिमा को जयकार एक बार सभी छात्रों से आगे रहेगा बल्कि वो वीर तेजाजी महाराज का जोरदार जयकार लगाएंगे। तेजाजी महाराज की सत्यवादी वीर और तेजाजी महाराज की जय बोलो तेजाजी की जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय जयकार थमने नहीं चाहिए जब तक मूर्ति अपने यथावत स्थान पर आ जाए। तेजाजी के जयकार थमने नहीं चाहिए। विराजमान होने के लिए अपनी प्रोसेस में ऐतिहासिक शांगलिया और सभी भक्तगणों के लिए तेजाजी महाराज की विशाल प्रतिमा तेजाजी की मूर्ति लगभग 3600 फीट की ऊंची ऊंचाई विशाल प्रतिमा शायद विशाल की सबसे बड़ी प्रतिमा कभी तेजाजी मंदिर शांगलिया ने स्थापित करने के लिए हजारों की तादाद में उपस्थित दर्शन है। फिर समय में इतना सुशील और सुंदर नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान के सबसे बड़े विशाल तेजा मंदिर में ये मूर्ति अभी कुछ ही देर में स्थापित की जाएगी एक जयकारे के साथ में। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। मुदरी ललकार ऐतिहासिक नजारा वीर तेजाजी शांगलिया और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए एक दिव्यतम भव्यतम श्री वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा जो स्थापित होने जा रही है श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया में बहुत भव्यतम नजारा। जयपुर सुनने के विशेष जो विशालतम भव्यतम प्रतिमा को विराजमान करने जा रही है। मूर्ति विराजमान की प्रक्रिया अंतिम चरण में ऐतिहासिक भवन को स्वच्छ बनने के लिए श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के फेसबुक पर यूट्यूब पेज पर लाइक और शेयर करें। आप सभी तेजा का खुशी निवेदन रहेगा कि आप ऊपर आ जाइए मंदिर प्रांगण में आ जाइए मंदिर प्रांगण में आ जाइए। उत्तरी भारत की सबसे विशाल प्रतिमा श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के कपाट पर विराजमान होने जा रही है। इन ऐतिहासिक पलों को साक्षी बनाने के लिए श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जरूर देखने लायक नजारा। ऐसी प्रतिमा जो शायद मेरे मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखेंगी ऐसी प्रतिमा आज वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया में विराजमान होने जा रही है। ऐतिहासिक पल तेजाजी मंदिर शांगलिया में
एलन घोड़ी पंचवार श्री वीरेंद्र जी महाराज की भगवंतम दिव्यतम विशालतम प्रतिमा जिसके हाइट 14.5 फीट है विराजमान होने जा रही है। ऐतिहासिक पल, इन ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए वीरेंद्र मंदिर छांगड़िया बता रहे हैं या वीरेंद्र मंदिर छांगड़िया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। श्री मीर के जमन को छांगलिया की विशालतम प्रतिमा मीर के जमन को छांगलिया में सफलता पूर्वक इंस्टॉलेशन किया। महाराज का आशीर्वाद मोदी सकुशल विराजमान होने जा रही है। ऐसी प्रतिमा तो शायद आप किसी ने नहीं देखी होगी। इतनी भव्यतम दिव्यतम प्रतिमा श्री वीरेंद्र मंदिर छांगड़िया में विराजमान होने जा रही है। एक जयकारे के साथ विशाल जन प्रतिमा का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करे जय बोलो वीरेंद्र जी महाराज की। गाड़ी पर संसार श्री वीर दादाजी महाराज विराजमान वीर सभी के लिए ऐतिहासिक पल वीर दादाजी मंदिर की शांगलिया और सभी आसपास के भक्तगणों के लिए वीर दादाजी महाराज की विशालतम प्रतिमा का विराजमान करने का जो कार्यक्रम को आगाज किया गया था वो विधिवत रूप से कर दिया गया। विशाल वीर दादाजी महाराज की शांगलिया में स्थापित कर दी गई है। ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए वीर दादाजी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर मूर्ति अपने नियमित स्थान पर रखी गई है। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से तेजाजी महाराज की विशाल प्रतिमा शेष विशाल सफलतापूर्ण है मंदिर के कबाट पर विराजमान देखने लायक भव्यतम और ऐतिहासिक नजारा आप सभी के लिए जीवन प्रतिमा जैसे वो अभी अपने वस्त्रों को आप सबके सामने प्रकट करेगी ऐसी जीवन प्रतिमा का सफलतम विराजमान कार्यक्रम वीर के जमन में शामलिया में ऐतिहासिक पल जिन पलों का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल वीर के जमन महाराज की प्रतिमा विराजमान ऐतिहासिक पल उत्तरी भारत की सबसे विशालतम प्रतिमा श्री वीरेंद्र जी महाराज की विशालतम प्रतिमा को वीरेंद्र मंदिर की शांगलिया में विराज कर दिया गया है। शेख हुसैन से सफलता पूर्वक जीवन प्रतिमा को वीरेंद्र मंदिर की शांगलिया में स्थापित कर दिया गया है। ऐतिहासिक पलों में शामिल सभी भक्तगण धन्यवाद आभार और सीता
में तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना कर दी गई है और एक विशेष सूचना कल सुबह 7:15 बजे से सांगलिया तेजा मंदिर से एक बड़े काफिले के साथ सूचना के लिए जो जोत लाएंगे वो सुबह 7:15 बजे सांगलिया तेजा मंदिर पहुंचे कि एक बड़े काफिले के साथ ले।
ऑर्केस्ट्रा संतोष गुजरी गहलोत। हेलो हेलो बोलो वीर तेजा जी महाराज की। आज को नीन रे चेना आए पड़ा को ते देवा ने के जाजे को नीन रे चेना आए पड़ा को ते देवा ने मारे डर से ने करे बा ने मैं तो चढ़ गए ये लो मारे डर से ने करे बा ने पोजारे वो चिड़ क्या को ओले डर से ने यो बाद पो जारे वो चेड़े क्या को ले दे से ने यो बाद को ये सोरे जे तो सामां जे एते जाजे ताको दे वेरो को ये निवे ने करे ला से बेलो डरे से ने योबा दो को ये निवे ने करे ला से बेलो डरे से ने यो दो को ये ते देने ते दावा जे इते जाजे ताके तोरे को ये रे पिया नारे लाले बेटे दे रे से ने योबा जो को ये गे बरे दे इते दे रे से ने योबा जो को ये गे बरे दे लागे इते जाजे ताके जो ये श्या को ये लोड़े लोड़े ले श्या ताकी जो ते देरे से हो बाद्यो को ये लोड़े लोड़े ले श्या तारे जो ते देरे से ने यो आजो कोई दोरा ये देसा काजे ते जाजी आवे जाते रे कोई दोरा ये अजी अब सीधे गए एकदम देखो देखा जी सामने हूँ सामने देखो बाबूजी सीधे गए एकदम के
तेरी एकदम सही है। तो ये मेरो तो बैर लगे जे पो रे डेरे सेने करे वा जो को ये मेरो तो बैर लगे जे पो रे डेरे सेने करे वा ऊपर देख जो ऊपर जुखेड़ी तो कोनी है ना दक्षिण साइड में सही है बीच में भी सही है ना ऊपर ये तो कोनी है ना नीचे जा रहे कपड़े करें दोबारा होने वाली सगड़ा आराम देख लो सगड़ा आराम देख डिसीजन कर बताओ डन सही है ना वो नीचे किए गए हाँ भाई मूर्तिकार बता अब बोकड़े पोल कर डन जय बोलो वीर कंवर तेजाजी महाराज की जय जय बोलो सत्यवादी वीर कंवर तेजाजी महाराज की जय महाराज मंदिर के मंदिर सांगलिया के प्रांगण पर विराजमान सभी भक्तजनों से एक विशेष आग्रह है कि कल सुबह 7 बजे नीतेजाजी मंदिर सुरसरा से ज्योत लाने का कार्यक्रम रहेगा। अतः सभी भक्तगणों से विशेष निवेदन है कि वो साधन संसाधन के साथ कल सुबह 7 बजे हुए तेजा मंदिर सांगलिया जरूर जरूर पधारे। जे रे गो मारा तेजा जे
श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया में वीर तेजाजी महाराज की विशालतम प्रतिमा का सकुशल सफल विराजमान करने के बाद माता पेमल की मूर्ति भी अति शीघ्र विराजमान होने जा रही है। लीलन घोड़ी पर सवार वीर तेजाजी महाराज लीलन घोड़ी पर सवार स्टूडियो ये भाई मुंडा के माल को जी लागे लो आजे ता मेरे जेने दादा गला कोई जाते दे सोतो रे मोसा आले आजे तो मेरे जेने तो दागेला कोई जाते दे सोतोरे मोसा आले ये डेका डेका सोजे निनेरा आएगे के मेलेरे बारे ये डेका सोजी निरा आएगे के मलेरी डोले बारे डोले तां डोलां ताजी निरा आएगे ये गोजरा पंको पड़े जा आये डोले टा डोला में टा जिन्नरा आये गे गोजराती पंको पड़े जा आये नीचा सोला टा जिएल मारियो बावे श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया में श्री वीर तेजाजी महाराज की विशालतम मूर्ति को सफलता पूर्वक मंदिर पर विराजमान कर दिया गया है। अब माता पेमल की मूर्ति भी अति शीघ्र विराजमान होने जा रही है। अतः इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। माता पेमल की ऐसी प्रतिमा जैसे वो मुंडे बोले अति शीघ्र वीर तेजा मंदिर सांगलिया में विराजमान होने जा रही है। अतः सभी से विशेष आग्रह ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए श्री वीर तेजा मंदिर सांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया आसपास के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल उत्तरी भारत की सबसे
विशालतम दिव्यतम और भव्यतम प्रतिमा का सफल और सकुशल विराजमान कर दिया गया। अब माता रानी बेमल की मूर्ति का सफल विराजमान होने जा रहा है। अतः सभी तेजा भक्तों व सज्जनों से विशेष अनुरोध विशेष आग्रह कि वो वीर तेजा मंदिर शांगलिया पधार कर ऐतिहासिक पलों के साक्षी जरूर बने जरूर बने जरूर बने। श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि देश दुनिया में दूर दराज बैठे अपने भाई बंधु भी इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन सके साक्षी बन सके साक्षी बन सके। जयपुर से बुलाई गई विशेष हाइड्रोलिक क्रेन के ऑपरेटर को बहुत बहुत धन्यवाद आभार जिन्होंने सकुशल सफलता पूर्वक श्री वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को सफलता पूर्वक मंदिर पर विराजमान कर दिया तथा माता रानी बेमल की मूर्तिमा को विराजमान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अतः इन ऐतिहासिक पलों को साक्षी बनने के लिए श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया में दूर दराज बैठे अपने भाई बंधु भी इन साक्षी पलों के ऐतिहासिक पलों के दर्शन कर सके। श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया में माता रानी पेमल की मूर्ति को विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक पल शानदार जानदार ऐतिहासिक मूर्ति श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के कपाट पर सुशोभित होने जा रही है। इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनाने के लिए श्री वीर तेजा जी महाराज मंदिर शांगलिया के प्रांगण में पधारे सभी भक्तगण अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया में दूर दराज बैठे अपने भाई बंधु इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन सके। माता रानी तेवल की विशालतम दिव्यतम प्रतिमा तेजाजी महाराज के बगल में विराजमान होने जा रही है। ऐतिहासिक नजारा हम सबके लिए गौरवमय नजारा हम सबके लिए श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया और आस पास के लिए ऐतिहासिक नजारा। श्री वीर तेजाजी महाराज की विशालतम प्रतिमा के बाद माता रानी पेमल की विशालतम प्रतिमा तेजाजी महाराज के बगल में स्थापित होने जा रही है। इन ऐतिहासिक पलों को साक्षी बनाने के लिए पधारे सभी माता बहने और तेजा भक्तों का आभार जो इन ऐतिहासिक पलों के बने। श्री वीर तेजा मंदिर शांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया में दूर दराज बैठे अपने भाई बहन भी इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन सके। माता रानी तेमल की प्रतिमा श्री वीर तेमल जी महाराज के बगल स्थापित होने जा रही है। ऐतिहासिक पल गौरवमय पल हम सबके लिए तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जय बोलो वीर गौर तेजाजी महाराज की। जय बोलो सत्यवादी वीर गौर तेजाजी महाराज की।
श्री वीर मेजाजी मंदिर शांगलिया में तेजाजी की विशालतम प्रतिमा के समक्ष माता रानी प्रेमा की विशालतम प्रतिमा। अरे थोड़ा पीछे पीछे नीचे लाइट आई पाइप में ऑपरेटर भाई साहब थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में एक फिट और ले पश्चिम दिशा में और ले माता रानी पेमल की विशालतम प्रतिमा तेजाजी महाराज के बगल में स्थापित होने जा रही है। सभी के लिए ऐतिहासिक कल गौरवमय कल शानदार जानदार नजारा वीर तेजाजी मंदिर चांगलिया और आसपास के क्षेत्र के लिए गौरवमय कल ऐसी अद्भुत विशालतम प्रतिमा वीर तेजाजी मंदिर चांगलिया में स्थापित होने जा रही है। एक बार यह रुके वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया में वीर तेजाजी महाराज की विशालतम प्रतिमा के सफल विराजमान के बाद माता रानी पेमल की विशालतम प्रतिमा को भी सफलता पूर्वक तेजाजी महाराज के बगल में विराजमान कर दिया गया है। सभी के लिए गौरवमय ऐतिहासिक पल मनोज जी तेजा जी ना हेलो ये कर जल चालो रे फनीरा लीलड़ने सिंगार ते जल चालो रे फनीरा लीलड़ने सिंगार तेजाजी महाराज का जोरदार जयकारा सभी भक्तगणों से निवेदन तेजाजी महाराज का जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो सत्यवती लॉर्ड तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी मंदिर शांगलिया ऐतिहासिक पल गौरवमय पल एक इतिहास रचने जा रहा है। आसपास के सभी ग्रामवासियों वासियों के लिए ऐतिहासिक पल माता रानी पेमल की विशाल प्रतिमा मंदिर के कपाल पर विराजमान होने जा रही है।
जैसे तेजाजी महाराज की जीवन प्रतिमा वैसे ही माता धरानी की देवेतम भव्यतम और सजीव प्रतिमा लग रही है, जैसे मुंडा वर्षी मुंडा वर्षी मुंडा वर्षी मंदिर शांगलिया और आस पास के सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरवमय ऐतिहासिक पल श्री तेजाजी महाराज की भव्यतम विशालतम प्रतिमा तेजाजी मंदिर शांगलिया में विराजमान कर दी गई है। आप माता रानी देवल की उतने ही विशालतम प्रतिमा तेजाजी महाराज के बगल में विराजमान होने जा रही है। ऐतिहासिक पल हम सभी के लिए। श्री वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दराज में बैठे अपने भाई बहनों और तेजा भक्त इन ऐतिहासिक पलों के दर्शन लाभ कर सके। घोड़ी पर सवार श्री वीर तेजाजी महाराज की विशालतम प्रतिमा वीर तेजाजी मंदिर शांगलिया में चपलता पूर्वक विराजमान कर दी गई है। आप तेजाजी महाराज के बगल में तेजाजी महाराज के बगल में माता रानी पेमल की भव्यतम और दिव्यतम प्रतिमा विराजमान होने जा रही है। हम सबके लिए ऐतिहासिक पल। बहुत खुश नसीब लोगों को ऐसा दिव्यतम भव्यतम नजारा देखने को मिलता है। गुण करियो तू ओ गुणवाने सुन ले वासक नाग, सुन ले वासक नाग। गुण करियो तू ओ गुणवाने सुन ले वासक नाग। आप सभी के लिए गाया ने बचा कर बंबी ऐतिहासिक पल। गाया ने बचा कर बंबी आऊं सागन पाग। चोरा ने हरा कर लावे गाया घेर के, गाया घेर के। आप सभी के लिए ऐतिहासिक पल भरे। शुभम भरे पलों के साक्षी बनने का मौका हमको मिल रहा है। इतनी भव्यतम दिव्यतम तेजाजी महाराज और माता रानी की प्रतिमा को विराजमान करने का विराजमान करते हुए देखने का शुक्र भव्यतम और दिव्यतम नजारा हम सबको नसीब हो रहा है। खुशी की बात तेजाजी महाराज की भव्यतम प्रतिमा और माता रानी देवल की दिव्यतम प्रतिमा के सफल विराजमान के बाद मंदिर के कपाल पर चार चांद लग गए हैं। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मनोहर
श्री वीरजी महाराज खंडाल वीरजी मंदिर शांगलिया बता चुके हैं, शांगलिया बता चुके हैं, शांगलिया बता चुके हैं। सांगलिया के बाद आस पास में श्री वीर तेजा जी मंदिर का दाता का निर्माण करने वाले अजीज मित्र भाई मोहन जी बगड़िया भी हमारे बीच हैं। उनका वीर तेजा मंदिर सांगलिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन सत्कार। हाँ हाँ
सुनाई गायां वाली मार, गायां वाली मार। भाला ने तलवार सुनाई गायां वाली मार, लाज राग जो चुड़ले री शिव सु करे पुकार, लाज राग जो चुड़ले री शिव सु मिट जावेली छत्र जात मिट जावेली।
सिंगर दौलत करवा म्यूजिक बाय एमडी ब्रदर्स माता राम कमारी के दिल पिता धोया ताड़ पिता धोया ताड़ माता राम कमारी के दिल पिता धोया ताड़ मारा वर्षरी करी तपस्या गूंजो नाग पाड़ करी तपस्या गूंजो नाग पाड़ शिव शंकर रो वरदान सूरो जन्मे कोक से जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरुके जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरुके लवार सजाई गाया वाली वार लाज राग जो चुड़ले री शिव सु करे पुकार लाज राग जो चुड़ले री शिव सु करे पुकार पेमल ने समझाए रण में जावे जटके जटारो उज्जो सूरज करनाड़िया में धज्जा फरुके जटारो उज्जो सूरज करनाड़िया में धज्जा फरुके
किरत दौलत गरवा जन्म जन्म गुण गावे ला चाल लीलन रण में आज मर जावा या मारा ला चाल लीलन रण में आज मर जावा या मारा ला आज मर जावा या मारा ला होते जो ही रह सागे मारे अब दुनिया गए कोनी सारे ते जो वीर सागे मारे अब दुनिया गए कोनी सारे जो ते जाने मना कमारी के जल पीता थोड़ा ताड़ पीता।
तपस्या गुंजो नाग पार शिव शंकर रो वरदान सूरो जन्मे कोक से जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरू के जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरू के तलवार सजाई गाया वाली वार लाज राग जो चुड़ले री शिव सू करे पुकार लाज राग जो चुड़ले री शिव सू करे पुकार बेमल ने समझाए रण में जावे जटके जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरू के जटारो उज्जो सूरज खरनाड़िया में धज्जा फरू के
सुपरस्टार संतोष गुजरी गहलोत।
बिना ना उतरे, बबून बिना ना उतरे, मन में ध्यान धरो ते बेमल शंकर है बचावनिया। चाल लीलन रण में आज मर जावाया मारा ला, चाल लीलन रण में आज मर जावाया मारा ला, मर जावाया मारा ला। I'm
धरती देखी आज सुर सुरारी धरती के जल जलती देखी आग जल जल जलती आग में जल तो देखियो नाग जल जल जलती आग में जल तो देखियो नाग आग सू बचावे नाग लीलन काम के सटारो उग्यो सूरज खरनाया में धज्जा फरू के सटारो उग्यो सूरज खरनाया में धज्जा फरू के जो ऊपर है उनसे निवेदन है कि जहाँ कहीं भी एक बार बैठ जाए जो मूर्ति के पास खड़े हैं उनसे निवेदन है एक बार बैठ जाए एक बार एक बार एक बार फोटो ले सी तो आप थोड़ा साइड में बैठ के सुझो है ना जितना भी बने थोड़ा साइड में बैठ के सुझो ताकि दोनों ही फोटो आ जाए कुर्सी साइड में कर लीजिए कुर्सी साइड साइड आल रेलिंग में ले लीजिए थोड़े साइड में एक बार है ना जो ड्रोन उठा हुआ था भी साइड आल रेलिंग में चले जाओ हाँ ठीक बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ हाँ मैंने तो बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ जीतू गरबा गावे आवे बाबा थारे सरने थारे सरने जटारो उग्यो सूरज खरनाया में धज्जा फरू के जटारो उग्यो सूरज खरनाया में धज्जा फरू के धज्जा फरू के ओ भारत से बोल दे ओ सिंह बोल दे ना अनंदा बोल दे और साथ में है माता रानी देवल की भाग शुक्र मनोरम प्रतिमा विश्वा विराजमान में किया गया बहुत ऐतिहासिक पल अद्भुत पल पल आप सभी के लिए गौरव में पल
अब ब्रेजा गाड़ी खड़ी थोड़ी सी ना साइड में कर दो ताकि क्रेन निकल जाए ब्रेजा गाड़ी जो वीर है सागे मारे अब दुनिया गए कोनी सारे जो तेजा न मनावे बाबो रे वण दे ना लारे ओ महिमा घनी निराली है लीलन सवार की हो सारी दुनिया दीवानी तेजल सरकार की सारी दुनिया दीवानी तेजल सरकार की गुंजो नाग पार शिव शंकर लो वरदान सूरो जन्मे को कसे
गाया वाली वार, गाया वाली वार। लाला ने तलवार सजाई गाया वाली वार, लाज राग जो चुड़ले री शिव सुंदरे पुकार, लाज राग जो चुड़ले री शिव सुंदरे पुकार। विमल ने समझाए रण में जावे जट्ट के, जावे जट्ट के। जटारो उग्यो सूरज करनाल्या में धज्जा फरू के, जटारो उग्यो सूरज करनाल्या में धज्जा फरू के।
सुपरस्टार संतोष गुजरी गहलोत।